साथियों, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय को भी महामना के सपनों के मुताबिक शिक्षा और स्वास्थ्य का सबसे महत्वपूर्ण केंद्र बनाने की तरफ हम अग्रसर है। थोड़ी देर पहले ही बीएचयू के गौरवमयी 100 वर्ष के इतिहास के सम्मान में एक डाक टिकट जारी किया गया है। इसके अलावा आज बीएचयू में 2 बड़े सेंटर्स, केंद्रीय अन्वेषण केंद्र और बीएचयू आईआईटी में सुपर कंप्यूटिंग सेंटर की सुविधा भी शुरू हुई है। सुपर कंप्यूटिंग सेंटर परम शिवाय की शुरुआत से नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन को गति मिलेगी। एक प्रकार से भविष्य की तकनीक के रिसर्च एंड डेवलपमेंट में भी बाबा की पवित्र भूमि देश को अब दिशा देने वाली है। साथियों, इसके अलावा आज जिन 2 बहुत बड़े कैंसर अस्पतालों का लोकार्पण हुआ है, उनमें से एक बीएचयू में है और दूसरा लहरतारा में बना है। बीएचयू का कैंसर अस्पताल तो सिर्फ 10 महीने में ही तैयार किया गया है, रिकॉर्ड टाइम है ये। ये दोनों अस्पताल मिलकर काम करेंगे। लहरतारा में जो अस्पताल बना है, वहां कैंसर के इलाज की सबसे आधुनिक मशीन में से एक भाभा ट्रोन को भी स्थापित किया गया है। साथियों, इस क्षेत्र में और खासकर पूर्वांचल में कैंसर के मरीजों को उपयुक्त इलाज के अभाव में दूसरे बड़े शहरों में जाने के लिए मजबूर होना पड़ता था। अब वाराणसी में ही कैंसर का आधुनिक इलाज संभव हो पाएगा। इसका लाभ यूपी के साथ साथ बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के मरीजों को भी इसका लाभ मिल पाएगा।